साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। राख की दीवार का पड़ोसी तो हूं ही, राग के विकल्प का भी मैं पड़ोसी हूं। ध्रुव सत्ता में खंड नहीं होने से निरंतर बहता ज्ञान का परिवर्तन, निरंतर बहता ज्ञान का परिणमन, निरंतर बहता ज्ञान का प्रवाह, यह प्रवाह रुक तो नहीं सकता, यह प्रवाह जिसमें एक समय के लिए भी फेरफार नहीं हो सकता। ऐसा जो अनित्य परिणाम है, उन परिणामों से मैंने स्वयं की पहचान की। हे वितरागी परमात्मा, मैंने स्वयं को ही परिणाम स्वरूप माना और प्रत्येक आत्मा को परिणाम स्वरूप माना। मैंने वस्त्र से ही व्यक्ति की पहचान की। किसी परमात्मा ने शुभ भाव के वस्त्र पहने और किसी परमात्मा ने अशुभ भाव के वस्त्र पहने, या फिर किसी परमात्मा ने शुद्ध भाव के वस्त्र पहने, वस्त्र से ही व्यक्ति की पहचान की।
और त्रिकाली ध्रुव न्याय जिसकी और दृष्टि न की। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपको भी देखा तो वितरागी के रूप में देखा, मेरी दृष्टि गई तो भी आपकी वितरागता पर गई। हे वितरागी परमात्मा, मेरी दृष्टि आपकी वितरागता पर गई, यह महा अपराध है। हे परमात्मा, यदि मेरी दृष्टि समोवसरण पर जाती तो महा अपराध होता। मेरी दृष्टि ऐसी सुंदर काया पर जाती तो महा अपराध होता, मगर मेरी दृष्टि आपकी वितरागता की ओर गई। हे वितरागी परमात्मा, ये वितरागी परमात्मा से आपको मैंने पहचाना, वितरागता से मैंने परमात्मा को पहचाना, वस्त्र से मैंने व्यक्ति की पहचान की। वितरागता के कारण आप परमात्मा नहीं हैं, क्योंकि आपको प्रकट हुई वितरागता वह तो अब हुई, मगर आप तो परमात्मा निगोद में भी थे। पर्याय से प्रकट होने वाली परमात्मा दशा से आपको मैंने परमात्मा देखा, यह तो पर्याय दृष्टि हुई। आपको वितरागी देखा तो पर्याय के रूप में देखा, आपको केवल ज्ञानी के रूप में देखा तो पर्याय के रूप में देखा, आपको मैंने पर्याय के रूप में देखा जिससे मेरा मिथ्यात्व भाव दृढ़ हुआ। आपको वितरागी और सर्वज्ञ के रूप में मुझे देखना नहीं था, आपको वितरागी और सर्वज्ञ के रूप में जानना था, क्योंकि ज्ञान का विषय द्रव्य गुण पर्याय बने तो भी दोष नहीं है, ज्ञान का विषय लोकालोक बने तो भी दोष नहीं है, मगर दृष्टि का विषय एकमात्र चैतन्य परमात्मा सर्व जीव है सिद्ध सम, वितरागी नहीं, सर्वज्ञ नहीं, सिद्धत्व अनंत शक्ति के धारक परमात्मा है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपको भी नहीं छोड़ा, मैंने आपको भी पर्याय से ही देखा, इसलिए क्योंकि मैंने स्वयं को ही पर्याय से देखा था, और जिस पर्याय के एक समय में नियम से मृत्यु होती है, उस पर्याय से मैंने उस परमात्मा को देखना चाहा जिस परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। परिणाम परमात्मा के पड़ोस में पैदा होते हैं। यह चैतन्य, यह शुद्ध, यह त्रिकाल ब्रह्म जिसका किसी से मिलन नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई, जब शादी ही नहीं हुई तो संतान कैसे, जब दो का मिश्रण न हुआ तो तीसरे का जन्म कैसे। मैं ज्ञायक देव जो अनादि अनंत ध्रुव, जिसके साथ किसी पर का मिश्रण ही नहीं होता,
तो परियाई की संतान द्रव्य में से पैदा कैसे होगी? ये परिणाम मुझ में से पैदा नहीं हुए, मुझ में से का भाव ये त्रिकाल सत्ता एक 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 अखंड सत्ता जिसमें विराम नहीं है, जिसमें कोई गिनती नहीं है, जिसकी सत्ता अंश से नहीं है, जो है संग में मगर फिर भी असंग है, जिसकी पड़ोसन व्यक्त हो रही है मगर जो स्वयं अव्यक्त है, अव्यक्त होकर भी जो अखंड है, अव्यक्त होकर के भी जो ध्रुव है, अव्यक्त होकर के भी व्यक्त परिणामों से पार, यह ध्रुव न्यायक देव में परिणामों का अकर्ता। परिणाम पैदा होते हैं मगर ध्रुव 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 का भाव ऐसा ग्रहण हो कि परिणाम ध्रुव में से पैदा नहीं होते हैं। है परिणाम एक नहीं अनादि अनंत, एक मोती नहीं है, दूसरा मोती नहीं है, सौ मोती है, और ये सौ मोती तरह तरह के हैं, काले भी है, नीले भी है, और तरह तरह के रंग वाले हैं, यहां तक के सफेद मोती भी है। मगर ये सौ मोती जो तरह तरह के रंग वाले हैं, वे मोती सौ है और धागा एक है। जो एक धागा है उसने मोती को जन्म नहीं दिया, उस धागे में से मोती पैदा नहीं हुए। यह अनादि अनंत यह जो परिणाम है, यह परिणाम जो व्यक्त है, यह व्यक्त परिणाम अव्यक्त ज्ञायक में से पैदा नहीं हुए, मगर मैंने परिणाम से रिश्ता जोड़ा और अपरिणामी का घात किया। हे वितरागी परमात्मा, मैंने परिणाम से न्यायक देव को मिलावट करके देखा, ब्रह्म को किसी स्त्री के साथ में मैंने जोड़ दिया, मैंने ब्रह्म में दोष लगाया। पुरुष यदि स्त्री को छू ले ये इतना बड़ा दोष नहीं है, पुरुष स्त्री को छू ले उसमें इतना बड़ा दोष नहीं है, पुरुष अपनी स्त्री नहीं पराई स्त्री को छू ले उसमें इतना बड़ा दोष नहीं है, पर स्त्री को छू ले उसमें इतना बड़ा दोष नहीं है, जितना बड़ा दोष यह मानने में है कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा पर्याय को छूता हूं। पर स्त्री को छूने की क्रिया और छूने का भाव ये चारित्र की कमजोरी है, और द्रव्य पर्याय को छूता है ऐसा मानना ये श्रद्धा की कमजोरी है। पर्याय स्वरूप स्वयं को माना, निगोद में मैं पर स्त्री को भोगने नहीं गया था, मगर निगोद में जो भी पर्याय मिली उसमें मैं तन्मय हो गया और ये माना कि यही मैं हूं, इस अपराध से अनंत दुख भोगा। हे वितरागी परमात्मा, मैंने ब्रह्म की मिलावट ब्रह्मचारिणी से की,
क्योंकि प्रत्येक पर्याय सती है, द्रव्य त्रिकाल सत है और प्रत्येक समय की पर्याय सती है, सत की अवस्था सती है। और कोई पुरुष सती के साथ छेड़खानी करना चाहे उसका परिणाम खतरनाक है। रावण ने तो सीता को छेड़ा भी नहीं, सिर्फ सीता का हरण किया, पराई स्त्री का हरण किया, रावण नरक में गया। एक सीता का हरण किया और छुआ भी नहीं, वासना के विकार के भाव से भोगा भी नहीं, फिर भी नरक। पर स्त्री को हरण करने का भाव नरक है। यहां अनादि काल से अनंत पर्याय है, जिनका हरण करना चाहा, जिन पर्यायों का मालिक होना चाहा। ये भाव मेरे हैं, ये परिणाम मेरे हैं। ओ उन परिणामों के साथ में ही मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मेरे साथ बर्ताव हो रहा हो। पूजा करने का भाव आया, स्वयं को पुजारी मान लिया। चोरी करने का भाव आया, स्वयं को चोर मान लिया। मुनि धर्म का पालन करने का भाव आया, स्वयं को मुनि मान लिया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये अपराध नहीं करते। हे वितरागी परमात्मा, मैं ऐसे अपराध से मुक्त हूं, मैं ऐसे अपराध से मुक्त हूं, मैं ऐसे अपराध से मुक्त हूं। मुनि धर्म अंगीकार करने के भाव आए मगर स्वयं को मुनि न मानूं। मुनि धर्म अंगीकार करने के भाव आए, उन भावों के काल में भी जो न्यायक देव मुनि धर्म को धारण करने नहीं जाता, वह मुनि धर्म धारण करने के परिणामों में कैसे जाएगा। मैं न्यायक देव, परिणाम है ही नहीं। अपरिणामी चैतन्य तत्व यह मैं, परिणाम यहां है ही नहीं। पल पल पलटते पामर परमात्माओं के परिणाम, ये परिणाम पलटते हैं। नदी का पानी का बहता प्रवाह सदा एक सा नहीं रहता, ये बहता ही रहता है। सूर्य और चंद्र ठहर नहीं जाते, ये पलटते ही रहते हैं। आकाश में बने मेघ धनुष सदा काल नहीं रहते, ये पलटते रहते हैं। आकाश में बने हुए बादल सदाकाल टिककर नहीं रहते, बरस जाते हैं। पेड़ की छाया सदाकाल एक सी नहीं रहती, क्योंकि पेड़ भी सदाकाल एक सा नहीं रहता, पलट जाता है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। जो भी परिणाम है वह परिणाम मेरी पहचान नहीं है। परिणाम ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान की पर्याय की लेन देन परिणाम से होती रहे, मगर दृष्टि की लेन देन परिणाम से नहीं,
दृष्टि तो ध्रुव से ऐसी अभेद है, वह फिकर ही नहीं करती कि ज्ञान की पर्याय में परिणाम जानने में आया तो आया। आंखों से दूसरे के घर दिखाई दे तो दिखाई दे, मगर श्रद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय ये नहीं कहता आंखों को कि दूसरे के मकान की ओर क्यों देखा, क्योंकि हृदय तो यह स्वीकार कर चुका है कि जो मेरा घर है वही मेरा घर है। आंखें कहीं पर भी घूमे, मेरा घर यह है जो मैंने धन देकर खरीदा। हृदय आंखों को बंद नहीं करता, श्रद्धा ज्ञान को रोकती नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, मैं मंदिर में रहा, और आपको भी मैंने मंदिर में ही रखा। मैंने आपके साथ में ऐसा ही बर्ताव किया, मैं वही कर सकता था आपके साथ, मैं वही कर सकता था। जो मेरी हालत है ऐसी हालत मैंने आपकी की। मैं खुद दीवार में बंधा हूं, मैंने आपको भी दीवार में बांधा। मैं खुद चार दीवारों के भीतर कमरे में रहता था, हे वितरागी परमात्मा, मैंने भी चार दीवारें बना करके आपकी मूर्ति विराजमान कर दी। मेरे बनाए भगवान मेरे से ऊंचे कैसे होंगे, मेरे जैसे ही होंगे। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपकी ध्रुव अनादि अनंत ऐसी चैतन्य चैतन्य सत्ता को देखा ही नहीं। जहां मैं रहता था मैंने आपके ऐसे ही हाल किए। आप तो लोक के अग्र भाग पर विराजमान हुए, जहां कोई चार दीवार नहीं है, मगर मैं दीवार के भीतर रहता हूं, आपको मैंने दीवार के भीतर रखा। मैं देहधारी हूं, मैंने भी आपकी मूर्तियां देहधारी बनाई। जैसा मैं हूं हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपको ऐसा बनाया। आप तो सिद्ध हो चुके, मगर मैंने सिद्ध शिला से उतार करके आपको फिर अरिहंत के रूप में विराजमान किया। मैं वही कर सकता हूं जो मेरे नजरों में है, जो मेरी आंखों में है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपको मंदिर में बुलाया, सच तो यह है कि मुझे सिद्ध शिला पर आना था, मगर हे वितरागी परमात्मा, मैंने अपराध किया। इस अपराध का एक ही प्रतिक्रमण है कि यह अपराध दोबारा न हो, मैं आपको मध्य लोक में न बुलाऊं, मैं स्वयं ही लोक के अग्र भाग पर आऊं। मैं आपको यहां संसार में न बुलाऊं, सिद्ध से अरिहंत में न लाऊं, मैं स्वयं ही पामर से परमात्मा हो। हे वितरागी परमात्मा, मेरे बनाए भगवान मेरे जैसे ही है। हे वितरागी परमात्मा, इस जगत में यही किया, जो मेरे पास में था वह खर्च किया। मेरे पास धन था तो धन देकर के मंदिर बना दिया, मेरे पास जो था वह अर्पण कर दिया। कोई भी व्यक्ति वही अर्पण कर सकता है जो उसके पास। स्वर्ग का
देव का भव मिला, तो भी वही काम किया। स्वर्ग का भव मिला तो भी समोसरण बनाए, रत्न जड़ित समोसरण बनाए। मेरे पास रत्न थे तो रत्न खर्च किया, मेरे पास ईंटें थी तो ईंटों से मंदिर बनाया। जिसके पास जो है उसका उपयोग करे, मगर आपकी और ध्यान किसका गया कि न आप मंदिर में हैं, न आप समोसरण में हैं, न आप देह में हैं, न आप मूर्ति में हैं, मगर ये दिखाई ही न दिया, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं, इस अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। ये अपराध अब दोबारा न होगा, यह अपराध दोबारा न होगा। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको पहचाना नहीं, आपकी वितरागता को पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचाना। सम्राट को ही मैंने परमात्मा मान लिया। महल में बैठे थे वे राजा ऋषभदेव थे, समोसरण में विराजमान थे वे वितरागी परमात्मा थे, मगर वितरागी परमात्मा का दर्शन तो मैंने किया ही नहीं। मैंने आपकी मूर्तियों में भी मुकुट पहनाए और राजा की अवस्था में ही आपको परमात्मा मान लिया। अपरिग्रही ऐसे समोसरण में विराजमान परमात्मा को तो पहचाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। मैं आभूषण पहनता था, आपने आभूषण त्यागे थे। सत्य यह है कि मुझे भी आभूषण त्यागना था, मगर मैंने उल्टा काम किया कि मैंने आप पर भी आभूषण डाल दिए। होना यह चाहिए था कि मैं आपके जैसा वितरागी हो जाऊं, मगर अपराध मैंने ये किया कि आपको ही मेरे जैसा परिग्रही बना दिया। हे वितरागी परमात्मा, भूतकाल में ऐसे अपराध मुझसे हुए, इस अपराध एकमात्र ध्रुव चैतन्य परमात्मा परिणामों से पार, परिणामों से पार। अब परमात्मा का घात न करें, अब परमात्मा का घात न करें। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीता है, कोई बीड़ी नहीं पीता है। होना यह चाहिए था कि बीड़ी नहीं पीने वाले की संगति में रहकर पीने वाला खुद बीड़ी छोड़ दे, मगर जिसे छोड़नी नहीं है वो नहीं पीने वाले को भी बीड़ी देगा कि कहीं भूल से मेरी बीड़ी न छूट जाए, सामने वाला मेरे जैसा हो जाए, अपना दोष ढक जाए, कभी एहसास न हो कि मैं परिग्रही हूं। हे वितरागी परमात्मा, मुझे स्वयं को ही वितरागी होकर अपरिग्रही होना था, मैंने आपको ही आभूषण पहनाकर परिग्रही किया, मैंने अपने ही राग के विकार को आप पर डाला, मैंने अपने ही राग के विकार को कीचड़ को आप पर उछाला। हे वितरागी परमात्मा, होना यह चाहिए था कि आप जैसे ध्यान में हैं, मैं आपके संग में रहकर ध्यानस्थ हो जाऊं, मैं आपके जैसा मैं आपके जैसा हो जाऊं। यही प्रतिक्रमण है, यही प्रतिक्रमण।
वरना वितरागी परमात्मा को पाकर के भी वितरागी परमात्मा को न पाया। परिणाम पल पल पलटते परिणाम, जिन परिणामों का कोई ठिकाना नहीं। अभी जो मित्र है पल भर में शत्रु हो जाए, अभी जो शत्रु है पल भर में मित्र हो जाए। शत्रु और मित्र तो दूर, मित्रता और शत्रुता पलट जाती है। ये परिणाम है, ये परिणाम पलट जाते हैं। जो परिणाम पलट जाते हैं उन परिणामों से मैंने अपनी पहचान की, परिणामों से ही पहचान की। कुछ परिणामों को तो अच्छा और कुछ परिणामों को बुरा माना, कुछ परिणामों को अच्छा कुछ परिणामों को बुरा माना। अंततः परिणाम तो परिणाम, परिणाम तो परिणाम, परिणाम तो परिणाम। कभी पानी की नदी बहती थी, कभी दूध और घी की नदी बहती थी। यह बोलने की बात है कि दूध और घी की नदियां बहती थी। कभी पानी की नदी बहती हो, कभी दूध और घी की नदी बहती हो, नदी कैसे भी बहे, सिर्फ जागृति, सिर्फ जागृति कि बहती नदी किनारे पर नहीं आएगी। पानी की नदी बहे, दूध की नदी बहे, घी की नदी बहे, अमृत की भी नदी बहे, अमृत गंगा बहे, मगर यह जागृति कि अमृत की गंगा जो बहती है उसमें कभी बाढ़ नहीं आती। परिणाम केवल ज्ञान की पर्याय के हो, मगर केवल ज्ञान की पर्याय में बाढ़ नहीं आती। किनारे पर मैं ध्रुव ज्ञायक देव अलिप्त 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 रहता हूं। यही पल पल पलटते परमात्मा के परिणाम, ये परिणाम निरंतर पलटते हैं। पलटना जिसका स्वभाव है, पलटने के स्वभाव में जब बाढ़ नहीं आती तो सुनामी कैसे आई। यहां लहरें उछलती तो है, यहां लहरें शांत तो होती है, मगर सागर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। लहरों के उछलने से सागर के किनारे बने मकान गिर नहीं जाते। लहरों के शांत होने से
बीच पर नई इमारतें नहीं बन जाती, क्योंकि ये स्वरूप को पहचाना है। लाखों करोड़ों रुपये मैंने खर्च किए हैं, समुद्र के किनारे मैंने अपना महल बनाया। इस श्रद्धा के साथ में कि सागर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, इतना धन खर्च किया कि सागर सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, मध्य रात्रि में निश्चिंत होकर के सोता रहा इस श्रद्धा से कि सागर यहां नहीं आएगा, सागर बाहर नहीं फैलेगा, और यह भी श्रद्धा कि सागर भीतर नहीं चला जाएगा कि आज करोड़ों रुपये खर्च किए, कल मेरे आगे कोई और बड़ा बंगला बना दे और सी फेस चला जाए, समुद्र ही ढक जाए। तो ये श्रद्धा कि सागर बाहर भी नहीं आएगा और सागर भीतर भी नहीं जाएगा, सागर उछलता भी रहेगा मगर सागर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये परिणाम, उछलते हुए परिणाम में यह श्रद्धा मध्य रात्रि में 2 बजे भी सम्यक दृष्टि जागृत है। धनपति सोता है निश्चिंत होकर के, सम्यक दृष्टि जागृत है, निश्चित चित्त से पार, ऐसी चैतन्य 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 सत्ता में मस्त। परिणाम अंततः परिणाम, हे वितरागी परमात्मा, मैंने परिणाम से अपनी पहचान की, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। परिणाम का प्रतिक्रमण करता हूं, अब मैं परिणाम पर बैठ करके ध्रुव को न देखूंगा, सागर में रह करके मैं इमारतों को देखता हूं तो इमारतें दूर दिखाई देती हैं, मगर इमारत में वास करते हुए जब तरंगों को देखता हूं तो तरंगे दूर दिखाई देती हैं। मैं पर्याय स्वरूप अपने को मान करके ध्रुव को देखता हूं तो ध्रुव कोई दूर पराया दिखता है, मगर ध्रुव में मस्त होकर के मैं पर्याय को देखूं तो पर्याय दूर दिखती है, पर्याय मेरे से पार दिखती है। ए आ ये ही मैं हूं, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। परिणाम से पार और परिणामी, यह चैतन्य हे वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी मैंने सुनी, मगर सिर्फ कहानियां सुनी, सिर्फ घटनाएं सुनी, घटना मैंने सुनी मगर मैंने कथा न सुनी। किसी पुरुष की पत्नी किसी को लेकर चली गई, यह घटना है। राम की पत्नी को रावण उठाकर ले गया, ये कथा है। घटना बासी हो जाती है, कथा कभी बासी नहीं होती।
मैंने कथा पढ़ी, मैंने कथा सुनी, मैंने राम कथा सुनी, मैंने आत्म राम कथा सुनी। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपकी दिव्य ध्वनि में कथा सुनी, मगर कथा को कहानी की भांति ही सुनता गया। उसका हार्द मेरे समय में, मेरी समझ में न आया, सिर्फ सुनता गया। जाना कुछ भी नहीं था और मैं भ्रमित हो गया कि मैंने जान लिया। जाना कुछ भी नहीं और मान लिया कि मैं ज्ञानी हो गया। शास्त्रों के पन्ने को, कागज के पन्ने को पानी में घुला मिला करके पी गया और मान लिया मैं ज्ञानी हो गया। मैंने कथा को सुना, कहानी तक ही मैं अटक गया। जाना कुछ भी नहीं था, सुना सब कुछ था, मगर सुनने से ही स्वयं को ज्ञानी मान लिया। परिणामों के बारे में सुना बहुत, मगर परिणाम से तन्मयता न मिटी। यह महा अपराध है, यह महा अपराध। प्रतिक्रमण करने बैठा, वह प्रतिक्रमण करने बैठा, प्रतिक्रमण कर लिया। ऐसा से नहीं हुआ कि अपराध, ये अपराध हुआ, क्योंकि प्रतिक्रमण करने वाला परिणाम है, मगर मान लिया कि मैंने प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण में भी अपराध ही करके खड़ा हुआ। उसका एक ही प्रतिक्रमण है कि प्रतिक्रमण का भी प्रतिक्रमण हो। चैतन्य ने अपनी सत्ता से अतिक्रमण करके परिणामों में जाकर मिलावट नहीं की, यही परम प्रतिक्रमण है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने कथा सुनी, सुनी मगर अनसुनी कर दी, रहस्य नहीं समझा। मरते हुए की संगति चाहे, जो स्वयं मर रहा उसकी संगति की और जीवन मांगा, आजीवन जीवन की वांछा की, जो पर्याय स्वयं मरती है उस पर्याय में तन्मय होकर के अमर होना चाहा, जो लाठी टूटी हुई है उस लाठी का सहारा लेकर लंबी यात्रा पर जाना चाहा, जो पर्याय स्वयं ही मर जाती है उस पर्याय का आश्रय लेकर जन्म मरण से मुक्त होना चाहा, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। ओहो, यह अपराध है, इस अपराध का स्वीकार नहीं हो, यह महा अपराध है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने परिणामों का स्वरूप सुनकर के भी अनसुना कर दिया। परिणामों की जाति को न समझा,
परिणाम की जाति अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कोई भी परिणाम हो वह जाति से ही अनित्य है, और जाति वही है जो कभी नहीं जाती, इसी का नाम तो जाति है। परिणामों की जाति अनित्य है, और मेरी जाति सिद्धों की है। मैं सिद्ध परमात्मा, मैं परिणाम, मैं परिणाम, मैं परिणाम। परिणाम के बारे में मैंने सुना बहुत, बहुत सुना मैंने परिणामों के बारे में, मगर अनसुना कर दिया। कथा सुनी मगर अनसुनी कर दी। राजा ऋषभ देव की कथा तो पढ़ी सुनी, आदि पुराण पढ़ा, हरिवंश पुराण पढ़ा, महापुराण पढ़ा, पद्म पुराण पढ़ा, पांडव पुराण पढ़ा, 24 तीर्थंकरों का पुराण पढ़ा, मगर सबसे पुराना यह चैतन्य तत्व ही नहीं पढ़ा। यह अपराध महाअपराध। पुराण पढ़ा तो पढ़ा, मगर पढ़ करके भी जो आंखों से नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसे चैतन्य को न पढ़ा। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मेरा प्रतिक्रमण तब तक सफल न होगा जब तक हे सिद्ध परमात्मा मैं आपके संग में न होऊंगा। पत्नी से दूर हो गया ये उदय का खेल है, पुत्र से दूर हो गया ये उदय का खेल है, भाई बहन से दूरी ये उदय का खेल है, मित्रता और शत्रुता ये उदय का खेल है, मां और बाप से दूरी ये उदय का परिणाम है, इसमें मैं क्या करूं। मगर हे सिद्ध परमात्मा, आपसे जो मेरी ये दूरी है ये उदय का परिणाम नहीं है, ये पुरुषार्थ की पामरता है, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। यह मेरा अपराध है, ये उदय का खेल नहीं है, ये मेरी कायरता है। परम पुरुष से दूरी ये मेरी नपुंसकता है। हे सिद्ध परमात्मा, मुक्ति रूपी लक्ष्मी से दूरी ये मेरी निर्धनता है। इस निर्धनता का जिम्मेवार मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं। हे सिद्ध परमात्मा, अब मेरा हृदय पिघलने लगा, अब मोह का पत्थर गलने लगा, अब आपके वचन, आपके प्रवचन मुझे मौन की ओर ले जाते हैं। आपकी भाषा से अब मुझे भाव भाषण होने लगा है। आपकी वाणी के प्रत्येक अर्थ मेरी समझ में आने लगे और सार्थक हो रहे हैं। अब आप और मैं दूर नहीं रह सकते। हे वितरागी परमात्मा,
मैं आपसे दूर रहा, मैंने अनंत जीवों को बहुत पीड़ा पहुंचाई। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। मैं जब निगोद से निकला तब कोई सिद्ध हुए थे, मैं जब सिद्ध होऊंगा तब कोई निगोद से निकलेगा। जो निगोद से निकलेगा वह सिद्ध होगा, कोई और निगोद से निकलेगा। वह निगोद से निकलेगा और सिद्ध होगा, कोई और निगोद से निकलेगा। हे सिद्ध परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, कि आप तो सिद्ध हुए और मैं निगोद से निकला, मगर मैं आपके जैसा सिद्ध न होकर अनंत निगोदिया के बीच में एक बाधा बन रहा हूं। हे सिद्ध परमात्मा, अब मैं भविष्य में अनंत निगोदिया के बीच में रास्ते का काटा नहीं बनना चाहता, मैं अब सिद्ध होने की भावना करता हूं। पल पल पलटते पामर परमात्मा के परिणाम को परिणाम के स्वभाव से देख, यही अपरिणामी होने का एकमात्र उपाय है। अपरिणामी में स्थिरता हो जाए, पल पल पलटते परिणामों के बारे में भीतर में यह चिंतन हो, भेद विज्ञान हो, क्षण क्षण में ये जो भाव बदलते हैं उन बदलते भावों में मैं पना स्थापित न हो। तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बनती है वह भाव भी सागर की लहर है, वह भी अमृत की बहती गंगा है, यह कहने में भी मुझे जचता नहीं है, क्योंकि राग को जहर कहा है, अमृत नहीं। वह तो जहर की बहती गंगा है जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वह राग है, और जो भगवान ने दशा पाई है वह वितराग है। जिससे तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी उस वजह से तो महावीर भगवान 42 से 72 वर्ष तक देह से बंधे रहे, केवल ज्ञान पाकर के भी। वह राग का परिणाम था, और अनंत काल तक सिद्ध शिला पर विराजमान रहेंगे वो वितरागता का परिणाम है। राग की जहर की नदी बहती है और वितरागता की अमृत की धारा बहती है, मगर मैं किनारे पर हूं। इसका रहस्य तत्व विचार करके भेद ज्ञान करें। परिणामों से न्यारा परमात्मा मैं अपरिणामी चैतन्य 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 परमात्मा मैं। पर द्रव्य से परिणामों से न्यारा, मगर जब ये सुनते हैं कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में, सुख मुझ में है, ज्ञान मुझ में है, चारित्र मुझ में है, उसमें यदि रुचि हो जाए
तो चैतन्य का घात होता। गुजरात में रुचि हो जाए, महाराष्ट्र में रुचि हो जाए, तो भारत देश की रुचि न रही। वो अटक गया गुजरात में, वो अटक गया महाराष्ट्र में। एक गुण की रुचि से अनंत गुणाधिपति न्यायक का अपमान होता है, अपराध होता है। उस अपराध का प्रतिक्रमण हम कल सुबह 6:08 पर करेंगे। गुण भेद से अपराध, गुण भेद की ओर दृष्टि करके सुबह मैंने कहा परद्रव्य, अभी कहा पर्याय, और कल कहूंगा गुण भेद। द्रव्य, पर्याय और गुण भेद की चर्चा कर एक अद्भुत राज खुलेगा, वह कल शाम को खुलेगा। अभी हम सत्संग के लिए आगे जाएं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो जिनकी दशा वरते देह।